धर्म के सबसे शक्तिशाली भगवान माने जाने वाले भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच कई बार युद्ध हुआ है। हिंदू धर्म में सृष्टि संचालन त्रिदेव करते हैं, जिसमें ब्राह्मण, विष्णु और शिव। ब्राह्मण ने सृष्टि की रचना की है, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं तथा भगवान शिव सृष्टि के तथा नकारात्मक के विनाशक हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है जिनके कारण भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच युद्ध हुआ। देवी सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शिव इतने आहत हुए कि उन्होंने संसार से अपना सारा मोह त्याग दिया और अनासक्त होकर रहने लगे। कई वर्ष तक भगवान शिव देवी सती के योग में इधर उधर बेसुध होकर भटकते रहे। यहाँ तक भगवान शिव को त्रिदेव के रूप में अपने कर्तव्यों का भी बोध नहीं रहा था। भगवान शिव के सृष्टि से अनासक्त होने के कारण भगवान विष्णु को त्रिमूर्ति के खंडित होने और संसार में अराजकत और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव का भय होने लगा था। उन्होंने कई बार शिव को संसार के प्रति आसक्त बनाने का प्रयास किया, लेकिन जब भी विष्णु भगवान शिव को संसार के प्रति जागृत करने तथा उनकी अनाशक्ति को दूर करने का प्रयास करते हैं तो भगवान शिव क्रोधित होकर उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहते हैं और यह कहते थे कि सती की मृत्यु के लिए वे दोनों भी जिम्मेदार हैं। लेकिन फिर भी भगवान विष्णु को महादेव वापस लाने की एक तरक्की भी सूझी। तब भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को आदेश दिया कि वह नागलोक में जाकर सभी नागों पर हमला करे, क्योंकि भगवान विष्णु जानते थे कि अनाशक्ति में भी भगवान शिव अपने भक्तों तथा अपने शरणागत पर होने वाले अत्याचार को नहीं देख सकते। इसीलिए भगवान शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। जब करुण ने नागलोक पर हमला किया तो सभी नाग महादेव से सहायता मांगने लगे और महादेव की शरण में आ गए। फिर जब गरुड़ नागों के मुख्य नाग वासुक पर हमला करने के लिए आगे आया तो महादेव ने उन दोनों के बीच आ गए। भगवान शिव ने गरुड़ पर क्रोधित होते हुए चेतावनी दी कि वह जो भी कर रहा है वह अन्याय है। इस पर गरुड़ कहता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें नागों पर हमला करने का आदेश दिया है तो वह भगवान विष्णु के आदेश का पालन अवश्य करेगा। गरुड़ की यह बात सुनकर भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आ गया। जैसे ही शिव ने गरुड़ को दंड देना चाहा तो गरुड़ ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया। गरुड़ की पुकार सुनकर नारायण विष्णु वहां पर आ जाते हैं। नारायण विष्णु भगवान शिव को समझने को कहते हैं कि पहले नागलोक की तरफ से हुई थी और गरुड़ को नागों सांपों का सहार करने के लिए मैंने ही कहा था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान शिव हमेशा न्याय करते हैं, इसीलिए उन्होंने यह कहकर कि इसमें गरुड़ का अपराध ज़्यादा है, वह गरुड़ को मरने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब भगवान विष्णु अपने भक्त गरुड़ की रक्षा करने के लिए महादेव के सामने आ जाते हैं। तब भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच महायुद्ध शुरू हो जाता है। दोनों योद्धा शिव और विष्णु इस सृष्टि के पालन करता तथा विनाश करता है। दोनों की शक्तियाँ भी एक समान होने के कारण दोनों समकक्ष कहलाते हैं, इसलिए उन दोनों के बीच चले युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तब युद्ध को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी पूरी शक्ति के साथ भगवान शिव का कंठ गला दबा दिया। नारायण की इस हरकत से शिव
अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने विष्णु को पूरे जोर से धक्का मारा, जिससे विष्णु थोड़े पीछे सरक गए। तब भगवान शिव ने क्रोधवश अपना त्रिशूल नारायण विष्णु की तरफ छोड़ दिया। त्रिशूल बहुत वेग से नारायण विष्णु के वक्ष छाती पर जाकर लगा। नारायण विष्णु के छाती पर त्रिशूल के वार से महादेव को अपने किए का आभास हुआ कि उन्होंने अपने भक्त और अपने आराध्य विष्णु पर ही त्रिशूल चला दिया। यह बोध होने पर महादेव शिव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे तुरंत ही नारायण को त्रिशूल से मुक्त करते हैं। इस तरह महादेव संसार के प्रति अपनी अनाशक्ति को त्याग कर संसार और त्रिमूर्ति के कर्तव्य के प्रति आसक्त बन जाते हैं। त्रिशूल के वार से नारायण विष्णु के वक्ष पर तीन घाव बन जाते हैं और विष्णु द्वारा शिव का कंठ दबाने से शिव जी के कंठ पर उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं, जिसके कारण भगवान शिव को सिद्धि महादेव के नाम से जाना जाने लगा। नारायण विष्णु यह जानते थे कि शिव को त्रिमूर्ति के कर्तव्य के प्रति आसक्त करने का यही एक उपाय है।